ए साला जोकर सुनने। जोकर किसको बोला बे? तोरे बोलियो बे भकमलुआ सुनने। बेटा मुझे जोकर बुलाता है, तेरी तो सॉरी 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 बोला। ये ले और ले और ले साले, मुझे जोकर बोलता और ले। भैया हम तो मजाक कर रहे थे भैया, साला मार मार के हमरे जोकर बना दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस जोकर बंडल से याद आया, गैस क्या आपके पास इंक्यूबेटर का जोकर बंडल है? नहीं। क्या आप लोगों ने अभी तक इंक्यूबेटर के जोकर बंडल को निकाला है? नहीं। क्या आप चाहते हो इंक्यूबेटर का जोकर बंडल हमारे सर्वर में भी अवेलेबल हो? अरे हाँ भाई हाँ। गैस यार चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन साला गैना वाले हमारे सर्वर में इंक्यूबेटर का जोकर बंडल देते ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन गैस आज की वीडियो पे हम लोग निकालने वाले इंक्यूबेटर के सारे ओपी जोकर के बंडल को। एंड गैस आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे जोकर के ओपी बंडल जैसे रिटर्न में अवेलेबल हुए। गैस पता है इस जोकर बंडल को देख मुझे क्या लगता है भाई, जब गैना वाले इस जोकर बंडल को बना रहे होंगे ना, कतई कौवा बिरयानी खा के बनाया होगा। साला करिया कर दिया बे। सही पकड़े हैं। और जब गैना वाले इन दोनों जोकर को बना रहे होंगे ना, मैं बता रहा हूँ कतई गुटखा खा के रखा होगा, तभी तो इनका चेहरा देखो जरा, बोलो जुबा केसरी। तो गाइस आज हम लोग इन सारे के सारे जोकर बंडल को निकालेंगे, लेकिन गाइस आप लोगों को बताऊंगा हमारे चैनल का रीच कितना ज्यादा डाउन चल रहा है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया गाइस आप लोगों को बताऊंगा नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की नहीं जा रही है, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा पाए। तो चलो गाइस चलते फटाक से जोकर बंडल के अंदर, और निकाला जाए इन खतरनाक से जोकर बंडल को। वैसे कितने टोकन में हम लोग जोकर बंडल मिल रहा है? ओके 26 टोकन पे ये मिल रहा है, और ये कल्लू जोकर मिल रहा है हमें 18 टोकन पे, काऊ काऊ कौवा काला, और ये विमल वाला जोकर हमें मिल रहा है 12 टोकन में। ठीक है भाई ये खतरनाक है भाई, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस पहला स्पिन होगा हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर का नंबर, पहले स्पिन पे ही हमें मिलेगा ओपी वाला जोकर का बंडल। वैसे होने नहीं वाला, बट पता नहीं मैं इतना एक्सपेक्टेशन क्यों रखता हूँ भाई। टोकन मिलेगी भाई, रहने दे तू भाई, गू खा लो, मुझे पता था टोकन मिलेगा। अबे ये क्या दे रहे, अबे भाई बस कर, ये क्या है इतने सारे फ्रेगमेंट। वैसे ये समझ में भी आता है कि यूनिवर्सल फ्रेगमेंट है, बट ये क्या है, ये तो टट्टी है, ये मत दो यार, बस कर भाई, ये नहीं चाहिए भाई। हमें नाइट क्लोज खतरनाक सी विमल वाली जोकर की बंडल चाहिए यार, दे दो यार, हम भी बोलेगा बोलो जुबा केसरी, दे दो यार, बस कर भाई, ये सब नहीं चाहिए यार। टोकन भाई रहने दो भाई, टोकन नहीं चाहिए हमें गाइस। सपोज करो स्पिन के ड्यूरेशन में ये कौवा वाला जोकर अगर मिल गया ना भाई, मजा आ जाएगा यार, देखते ही आता है गाइस। आप लोग क्या लगता है, क्या स्पिन के ड्यूरेशन में ही हम लोग को कोई एक जोकर बंडल मिल पाएगी, या फिर हम लोग को टोकन निकाल के जोकर के बंडल को एक्सचेंज करना पड़ेगा? चलो गाइस देखते क्या होता है। यहाँ पर 3 टोकन लगातार हम लोग को मिल चुकी है, वैसे टोकन तो मिल ही जाती है, बट यार जो मेन माल है ना, जो बंडल है ना यार, वो नहीं मिलता गाइस। इसी में दिल से बुरा लगता है भाई, काश अगर साथ में बंडल मिलता ना भाई, मजा आता टोकन के साथ साथ बंडल। भाई टोटल छह जोकर बंडल है भाई, एक तो जोकर बंडल दे दो एटलीस्ट, फीमेल का ही दे दो यार, मेल का नहीं दे रहे तो भाई। नहीं यार ये फोटो ही देने इनको बस भाई। 55 की स्पिन जा चुकी है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने हमें एक भी बंडल नहीं दिलाया यार, क्यों ऐसा करोगे ना वालों? एक तो डंग का बंडल दिला दो टोकन के अलावा भाई, एक भी बंडल दिला दो ना, एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड रहूंगा कि चलो एक तो डंग का बंडल मिला। अबे यार ये क्या दे रहे गाइस, ये सब नहीं चाहिए भाई, कम ऑन गैना वालों। भाई 7 टोकन हो चुके हैं, और 7 टोकन और निकाले तो भाई एक बंडल मिल जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो यार? एटलीस्ट एक बंडल ऐसी स्पिन में दे दो ना, बाद में टोकन देते रहिए जितना देना है भाई। नहीं यार ये स्कैम हो रहा है गाइस। अरे मिल गया, क्या मिला क्या मिला? अबे भाई विमल वाला जोकर मिल चुका है गाइस हमें, क्या बात है, बहुत सही भाई। सब लाइक करो वीडियो को, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करो, लगता है आप लोग लाइक कर रहे हो आजकल, इसमें से मिल रहे हैं ओपी आइटम। गाइस लाइक करो यार वीडियो को। चलो एक जोकर की बंडल हमें मिल चुकी है, काश ये कौवा वाला जोकर का बंडल मिलता ना और ज्यादा मजा आता, बट चलो कोई ना, ये विमल वाले जोकर से भी काम चल जाएगा। चलो गाइस एक और बार किया जाए स्पिन भाई यार, बोले जुबा केसरी। गाइस एक ओपी वाली जोकर की बंडल हमें मिल चुकी है, अब तो गाइस मुझे फुल एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा एक और जोकर का बंडल तो हमें मिलने वाला है। चलो देखते हैं क्या होता है। एक जोकर की बंडल तो अपन लोगों ने निकाल ली है, बस हमें चाहिए एक और, ये जोकर की बंडल कौवे वाली जोकर की बंडल स्पिन के ड्यूरेशन में मिले ना, बहुत मजा आएगा। अदरवाइज देखते हैं ढेर सारी टोकन जमा करके उसको भी निकाल ही लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्पिन के ड्यूरेशन में मिलता है ना तो ज्यादा मजा आता है, और टोकन से एक्सचेंज करने में गाइस उतना कुछ खास मजा नहीं आता। दैट्स व्हाई अपन चाहता है
टोकन में एक्सचेंज ना करे सारे के सारे रेयर आइटम, हम लोगों को स्पिन के ड्यूरेशन में दे दे और ज्यादा मजा आएगा। चलो टोकन के अलावा क्या कुछ मिलेगा हमें? अबे ये नल्ले नल्ले चीज मत दिया करो यार, ये दे दिया करो ना यूनिवर्सल फ्रेगमेंट, ये ज्यादा सही है भाई। ये सब मत दिया करो यार भाई, दिल से बुरा लगता है यार, ऐसा मत किया करो यार भाई। वैसे 11 टोकन हमारे पास हो चुके हैं, टोटल हमें चाहिए थे शायद से 25 टोकन ना। हाँ यार अभी भी बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत सारे टोकन अभी भी कलेक्ट करने पड़ेंगे हमें। चलो एक और शील्ड टोकन मिल चुकी है हम लोग को। बे यार ये सब इतने सारे हैं, इनमें से कोई तो दिला दे बे यार, ये लड़की का कौवा बंडल ही दिला दे, ये लड़की का कौवा बंडल ही दिला दे यार, ये नहीं दिला सकता तो कुछ तो दिला भाई। सब कुछ टोकन से एक्सचेंज क्यों करनी है यार, टोकन से सब कुछ एक्सचेंज क्यों करनी है, कुछ तो रेयर दो कम से कम, टोकन से एक्सचेंज करनी है सब। अरे बेटे 99 डायमंड भाई, 99 डायमंड पहली बार गाइस लाइफ में, पहली बार मुझे 99 डायमंड मिला है इस वाले स्पिन सेक्शन पे। व्हाट द फुचका मैन भाई, पता नहीं कितने दिन से मैं कितने अलग अलग इवेंट पे स्पिन किया हूँ, लेकिन पहली बार 99 डायमंड मिला है भाई, क्या बात है। कास्ट टू 99 डायमंड मिलता और ज़्यादा मजा आता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट चलो एटलीस्ट 99 डायमंड तो मिला रहा यार, अब मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई जो डायमंड दिए हुए सही में मिलता है, वरना यार इतने दिन से स्पिन कर रहा हूँ एक बार भी लोगों ने डायमंड नहीं दिया था। चलो ठीक है 99 ही डायमंड दिया, बट एटलीस्ट दिया तो सही। चलो ठीक है, यहाँ पर गन की स्किन इस बार ढेर सारी मिली है, इस बार स्किप करके देखता हूँ गाइस क्या होता है। ओके भाई स्किप करने से ऑटो टी मिलता है यार, यहाँ पर एक गन की ग्रेड भी नहीं दी यार इन लोगों ने, सारा का सारा फ्रेगमेंट ही दे दिया है भाई। भाई स्किप करना नुकसान है भाई साहब, स्किप नहीं करेंगे। और पता नहीं 100 से ज्यादा स्पिन हो चुके, बट अभी तक एक जोकर के बंडल के अलावा कुछ खास हमें नहीं मिली। और पता नहीं कितने टोकन हो चुके, आई थिंक सो 15 टोकन हो चुके होंगे। और ये लोग 15 टोकन के बाद भी हमें कुछ खास आइटम, अच्छा 16 टोकन हो गए यार। टोटल कितने टोकन चाहिए? ये कौवा वाले के लिए चाहिए 18, इसके लिए चाहिए 26 भाई, इसको निकालने वाले। ये विमल वाला जोकर ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ये कौवा वाला तो कभी भी निकल लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और बार स्पिन करते हैं, क्या पता विमल वाले जोकर को निकालते निकालते कौवे वाला जोकर भी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है भाई। लेकिन एक ही जोकर इन लोगों ने दिया है जब तक, बस एक ही जोकर बंडल ये लोगों ने दिया। मैं चाहता हूँ यार कम से कम 2 से 3 जोकर बंडल ये लोग दे, बट पता नहीं यार इतना सारा डायमंड तो खाए जा रहे हैं, लेकिन यार एक ढंग का जोकर नहीं दे सकते ये लोग। चलो एक और बार स्किप करके देखते हैं प्लीज, इसके अलावा कुछ अच्छा। और रे ओपी बोलते गाइस, अबे क्या बात है यार ये, लेकिन फीमेल का बंडल है। पर चलो ठीक है भाई, कौवे वाली जोकर मिल चुकी है हम लोग को यार। काश काश मेल का मिलता भाई, बहुत मजा आता गाइस। लिटरली अगर मेल का गलती से मिल जाता ना गाइस बहुत मजा आता। और भाई साहब 187 की स्पिन जा चुकी है गाइस, क्या बात है भाई। यहाँ पर ना जहाँ तक मुझे लग रहा है करीब करीब 250 या फिर 260 तक की स्पिन जाएगी, तब हम लोग को मिलेगा कोई एक ढंग का जोकर। एंड यही चीज तो मैं नहीं चाहता यार, मैं चाहता हूँ भाई सस्ते में जोकर बंडल मिल जाए, ताकि हम लोग आगे भी स्पिन कर पाए, आगे भी बहुत सारे ओपी ओपी बंडल अवेलेबल भी है, और साथ में खतरनाक सा माल मटेरियल अवेलेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल गाइस मैं आपको वो नहीं दिखाने वाला भाई, इतनी खतरनाक आइटम अवेलेबल भी ना, और वो जो आइटम है हमारे सर्वर में भी अवेलेबल होने वाली। कौन सा आइटम है? बहुत ही क्यूट है, बहुत ही मस्त है, आप लोगों को देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। कौन सा आइटम है मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। पहले ये जोकर के बंडल के सीन को तो खत्म कर ले, पहले जोकर बंडल निकाल ले, उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा आइटम है। अबे फिर से 99 डायमंड, अरे भाई क्या बात है गाइस, ओपी भाई एक और बार 99 डायमंड गाइस। आई थिंक आप लोग वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करो दबा के वीडियो को लाइक करो, क्या पता इस बार हम लोग को 99 डायमंड के अलावा 299 डायमंड मिल जाए और मजा आएगा फिर तो भाई, बहुत मजा आएगा। 99 डायमंड दो बार मिल चुके हम लोग को, 299 डायमंड एक बार मिलेगा ना गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो ये तो टोकन मिलेगा आई नो वेरी वेल, इसके अलावा कुछ और मिलेगा क्या हमें? अबे एक और बंडल दिला दो ना यार, ये कौवा वाला बंडल मिल गया ना गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ इतना ज्यादा खुश होंगे ना मैं, क्या ही बताऊँ। लेकिन दे नहीं रहे यार ये लोग, 21 टोकन हो चुके हैं आई थिंक सो, 26 टोकन हम लोग को कलेक्ट करना था ना, और हम लोग शायद से 6 या 7 स्पिन और लगाए ना तो हमारा जो टोकन है वो क्लियर हो जाएगा, एंड यहाँ से हम लोग विमल वाले जोकर को इसी बिजी तरीके से निकाल पाएंगे। 22 हो चुके और हमें चाहिए 4 स्पिन, 4 स्पिन के ड्यूरेशन में अगर कोई ओपी सी हम लोग को बंडल मिल जाती है ना, तब तो भाई एकदम मौज हो जाएगी हमारी। बट जैसा इनका हालत है ना, देख के लग नहीं रहा ये लोग कोई अच्छी आइटम हम लोग को देने वाले हैं भाई। टोकन में मत निपटाए करो यार, फीलिंग्स को थोड़ा समझा करो यार, समझा करो भाई, टोकन में निपटा देते हो यार, दो ना भाई वो कौवे वाला बंडल दे दो ना भाई, हम निकल ले गए पहले फुर्सत से भाई। प्लीज गहना वाले बस एक और बंडल दे दे, प्लीज एक और बंडल दे दे भाई, प्लीज गहना वाला एक और बंडल नहीं दिया यार। एंड गाइस यहाँ से 253 से ज्यादा स्पिन जा चुकी है, एंड इस वाली स्पिन के बाद 260 प्लस स्पिन हो जाएगी, एंड अभी तक सिर्फ हम लोग टोकन ही कलेक्ट करके भाई
दो बंडल भी मिल चुका है हम लोग को, लेकिन एक फीमेल की बंडल मिली है जो कि इतना कुछ खास नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देख सकते हो 264 स्पिन जा चुका है। फीमेल के बंडल के अलावा मेल बंडल मिल जाता है ना वो ब्लैक वाला, भाई बहुत मजा आता है यार। चलो एक बार स्किप करते हैं, टोकन मिलेगा ठीक है। अबे यार टोकन भी निपटा दिया गाइस। तो गाइस अब आप लोग भी जानना चाहते होगे कि मैं फ्री फायर में फ्री में डायमंड्स कहाँ से लेता हूँ एंड आप लोग फ्री में डायमंड्स कैसे ले सकते हो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी विंजो गोल्ड एप्लीकेशन की, जल्दी से डाउनलोड करो। एंड हाँ, जो लोग पहले डाउनलोड करेंगे विंजो गोल्ड एप्लीकेशन को, 200 लकी विनर को मौका मिलेगा 1000 डायमंड जीतने का। बस आप लोग को विंजो गोल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करनी है एंड इनमें से किसी भी एक गेम को खेलकर जीतनी है। अगर आप लोग जीत गए तो 200 लकी विनर को 1000 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और गाइस विंजो गोल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोग को इतने आसान आसान से गेम्स दिखा जाएंगे। एंड हाँ, ये सारे गेम बिल्कुल फ्री है एंड अगर आप लोग इन सारे गेम्स को खेलकर टॉप 5, टॉप 3, टॉप 1 बना लेते हो तो आराम से आप लोग 2 से 3 हज़ार डायमंड बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। एंड आए दिन यहाँ पर 10,000 डायमंड की गिव अवे, एलिट पास, क्रोनो करेक्टर, डीजालो करेक्टर एंड बहुत सारे ओपी ओपी आइटम्स मिलते रहते हैं। आप लोग को चले जाना प्रमोशन वाले सेक्शन पे एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्रोनो करेक्टर की गिव अवे चल रही है, कभी एलिट पास, कभी डीजालो, कभी डायमंड्स, इस तरीके की गिव अवे चलती रहती है। एंड आने वाले टाइम पे बंडल की भी गिव अवे बहुत जल्द होने वाली, ओपी ओपी बंडल भी अवेलेबल होगी। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग को किसी भी 3 गेम्स को खेलनी है, यहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड फ्री में डायमंड्स चाहिए तो आप लोग को गेम्स खेलनी होगी एंड टॉप 3, टॉप 5 में अपनी जगह बनानी होगी, उससे आप लोग ढेर सारे डायमंड्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगी विंजो गोल्ड एप्लीकेशन की, जल्दी से डाउनलोड करो एंड फ्री में ढेर सारे डायमंड्स, डीजालो करेक्टर एंड एलिट पास ले लो। यहाँ से 26 टोकन में हम लोग को ये जोकर की बंडल चाहिए थी, हमारे पास 26 टोकन हो चुके हैं। तो चलो जल्दी से वेबल वाले जोकर चाचा को कर लिया जाए एक्सचेंज। ये लोग हम लोग करने वाले हैं एक्सचेंज। और ये लोग आ चुके हैं गोल्डन क्लोन खतरनाक सी बंडल, ओपन कर लेते हैं, हमारे डीजाडम चाचा को पहनाते हैं। ओके हमारे डीजाडम चाचा आए हैं, हमारे डीजाडम चाचा कहीं लग रहे हैं। एक सेकंड, इस डीजाडम चाचा को फार्मास की स्किन पकड़ाते हैं। ये मैंने किया शो इन लॉबी। हाँ अब ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये। तो अभी तक हम लोगों ने 2 जोकर का बंडल निकाला है, 2 मेल एंड एक फीमेल का जोकर के बंडल को हम लोगों ने निकाल लिया। चलो इसको भी ओपन कर लिया जाए। कहा गया ये रहा ना, ये फीमेल की जोकर की बंडल इतनी कुछ खास नहीं है, काश मेल वाला मिलता और ज्यादा मजा आता है। एंड इसको भी कर लेते हैं ओपन और एक्विप कर लेते हैं। ये भी ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है, बट यार वो जो विमल वाला जो टॉप जोकर बंडल है ना, गोल्डन जोकर बंडल, वो ज्यादा ओपी है। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस माल मटेरियल की बात कर रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही क्यूट है एंड मुझे तो देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को वो माल मटेरियल कैसा लगा। तो चलते फेडेड विल के अंदर। एंड गाइस मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रेनेड की स्किन की। गाइस देख सकते हो जब ये फटता है तो कैसा लगता है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कैसा ये ग्रेनेड की स्किन। आप लोग गाइस देख सकते हो भाई बर्गर है, बर्गर के ऊपर पेस्ट्री रखी हुई है एंड ओवरऑल इस वाले ग्रेनेड की स्किन को बनाया गया। गाइस कितना ज्यादा ओपी लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। आप लोग की ग्रेनेड की स्किन कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड यही ग्रेनेड की स्किन साथ में इससे रिलेटेड बंडल, साथ में इससे रिलेटेड बैकपैक हमारे सर्वर में बहुत जल्द अवेलेबल होने वाली, आई थिंक सो इसी महीने में अवेलेबल होने वाली है। बंडल भी होगा, बैकपैक भी होगा, ग्रेनेड की स्किन भी होगी और भी कुछ आइटम्स होंगे तो अवेलेबल होने वाली स्पेशल इवेंट पे। भाई इस वाले ग्रेनेड की स्किन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि जब ये फटता है ना भाई क्या ही ओपी सी एनिमेशन आती है, बहुत ज्यादा मजा आता है देखकर। और ये ग्लोवल की स्किन कैसे भूल सकते, ये भी बहुत ज्यादा ओपी है। तो यहाँ पर मैं किसी 2 फुद्दू आइटम को करने वाला हूँ डिसलेक्ट। ये फुद्दू है, यहाँ पर कुछ भी फुद्दू नहीं है यार, फिर भी किसको डिसलेक्ट किया जाए। चलो इसको डिसलेक्ट कर लेते हैं, ये फिलहाल के लिए हमारा काम का नहीं है। चलो गाइस स्पिन किया जाए। पहले अगर 9 डायमंड पे हम लोगों को ये बंडल या फिर ये ग्लोवल की स्किन मिल गई तो भाई साहब 10,000 डायमंड का गिव अवे मेरे तरफ से। चलो गाइस देखते हैं क्या होता है। भाई मैं बता रहा हूँ 10,000 डायमंड का, अबे यार रह गया गाइस 10,000 डायमंड। भाई यार ऑफर खत्म होता है गाइस, अब मत बोला कुछ भाई, मैंने आपको ऑफर दिया था 10,000 डायमंड का लेकिन रह गया यार। अबे भाई यार हटे भाई, चलो कोई बात नहीं, ये मिल चुकी है हम लोग को स्काईबोर्ड की स्किन। चलो देखते क्या होता है, बस पटाखे की स्किन सस्ते में मिल जाए ना, मजा आ जाए। नहीं दिया यार भाई, गाइने वाले हमेशा मेरे साथ स्कैम करते गाइस, एकदम लास्ट में देंगे, आई एम डैम श्योर ये लोग लास्ट में देंगे सारा अच्छा माल। चलो ठीक है, पटाखे की स्किन मिल चुकी है। भाई ये जब फटता है ना तो बहुत ओपी एनिमेशन आती है गाइस, देख रहे हो क्या ही मस्त सी एनिमेशन आ रही है, ये एनिमेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अब आप लोग ये मत बोलने लगना एमडीएस भाई यहाँ पर फूड वेस्ट हो रहा है, आप देख सकते हो जमीन पे फूड गिरे हुए, यार इस मेंटेलिटी को लेकर मत बोलना, बस एनिमेशन मुझे अच्छी लग रही है, बस मैं यही बोल रहा हूँ एनिमेशन मुझे अच्छी लग रही है और ऐसी कुछ बात नहीं है ठीक है। ओके कर लेते हैं, चलो एक और बार स्पिन करते हैं। इस बार क्या हम लोग को बंडल मिलेगा, वैसे बंडल से मुझे कोई लेने देना नहीं है, अगर ग्लोवल की स्किन मिले ना लिटरली मैं बैक कर लूंगा, सीरियसली अगर ग्लोवल की स्किन मिलेगी ना मैं बैक कर लूंगा। और गाइस ओपी तरीके से ग्लोवल की स्किन मिल चुकी है,
देखो यार ये बंडल मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि ये बंडल हमारे सर्वर पे बहुत बार अवेलेबल हो चुकी है एंड ये बंडल मेरे अकाउंट पे पहले से अवेलेबल है। भाई जो मेल माल ची थी वो थी नाइट क्लोन की बंडल और टोटल 3 बंडल हम लोगों ने निकाला है। एंड इसको छोड़ो, विमल चाचा का आ गया ये राना, ये बहुत एपिक लगता है, बहुत खतरनाक लगता है। आप लोग कमेंट करके बताओ अगर ये बंडल इंडियन सर्वर में अवेलेबल होता तो आप लोग कौन सा निकालते, वो कौवे वाला जोकर निकालते या फिर ये विमल चाचा वाला जोकर निकालते या फिर सस्ता विमल चाचा वाला जोकर निकालते, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। एंड चलो अब मैं आप लोगों को बताया था कि मैं अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट कैसे सेलेक्ट करता हूं। गाइस बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस हमारे इस वीडियो को लाइक करनी है एंड इस वीडियो को शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद या डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स पे आप लोग का लिंक मिलेगी हमारे फेसबुक पेज की एंड इंस्टाग्राम की, फटाक से हमारे फेसबुक पेज को एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस फेसबुक पेज पर मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर डेली इंस्टा रील्स अपलोड कर रहा हूँ, बहुत फनी होते, बहुत मजेदार होते, आप लोग जाकर देखो। एंड इन्हीं रील्स पर इन्हीं वीडियोस पर किसी भी एक वीडियो पर या फिर किसी भी एक रील पे कमेंट कर दो अपना नाम और अपनी गेम की आईडी, जल्दी मैं किसी लकी विनर को सिलेक्ट करूंगा उनके अकाउंट पे इसी तरीके से बहुत सारे ओपी ओपी आइटम परचेस करके उनके अकाउंट पे निकाल के मैं दे दूंगा, तो फटाक से पार्टिसिपेट करो। तो चलो यार वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।